हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट ट्रैवल। तो कैसे हैं आप लोगों को, उम्मीद है आप सब अच्छी तरह से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जैसे कि आपको मैं दिखा रही हूँ, आज का हमारा टॉपिक है पर्पल हर्ट प्लांट। और आप लोग जानते ही होंगे पर्पल हर्ट प्लांट हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए बहुत ही फेमस होता है। और ये खास करके अपने फ्लावर से ज़्यादा अपने लीफ के लिए यूनिकनेस जो इसके अंदर होती है वो इसके कलर की, इसके लीफ की जो होती है, इसलिए इसको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो ये देखिए, ये प्लांट मेरा दूसरा है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये सूख गया है, नीचे से इसकी पत्तियाँ सूख गई हैं ठंड में। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसकी कटिंग कितने आसानी से लग जाती है और ये बहुत ही आसानी से ग्रो होता है। इसे फुल सनलाइट चाहिए होती है। अगर आप इसे शेड में रखेंगे तो इसकी जो लीव्स होती है पर्पल कलर की, उसमें ग्रीन कलर के शेड आने लगती हैं। तो लोग इसको इसकी लीव्स के लिए ही लगाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया पर्पल कलर जो होता है इसकी लीव का, वही इसको यूनिक बनाता है। तो इसे धूप में रखिए, और जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्म बहुत तेज़ धूप होने लगती है तो इसको आप जो है ग्रीन नट के शेड में रख सकती हैं। ये प्लांट एलोवेरा के तरह ही अपने पत्तियों में इसके अंदर जेल होता है, तो इसको ज़्यादा पानी की उसके वजह से ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको इसकी मिट्टी सूख जाने पर पानी दे सकते हैं। ये ऐसा प्लांट है जो कभी जल्दी मरता नहीं है। एक बार आप इसे लगा लीजिए और ये आपके गार्डन में सालों साल तक बना रहेगा। ये देखिए, 1 से 2 इंच तक के इसके फ्लावर होती हैं। और ये अगर आप गार्डन में ज़मीन में लगाती हैं तो फिर ये जो है कम से कम 5 फीट तक फैलता है। और पॉट में आप इसको चाहे जितना बड़ा पॉट साइज दे दीजिए, ये पूरा गमला आपका कवर कर लेगा। इसके नीचे से कई प्लांट्स निकलते रहती हैं, बेबी प्लांट्स इसमें निकलते रहते हैं। ये प्लांट पानी में ईजली ग्रो हो जाता है, सॉयल में भी ईजली ग्रो हो जाता है। आप जैसे चाहें इसे ग्रो कर सकती हैं। अगर आप इसे सॉयल में ग्रो करेंगे तो 20 दिन के बाद आपको इसमें नई पत्तियाँ और रूट्स देखने को मिल जाएंगी। और पानी में भी आप इसे ग्रो कर सकती हैं। और अगर आप वर्किंग वुमेन हैं या फिर आपको किसी ट्रिप पर जाना है और आप आए दिन ट्रिप पर रहती हैं और आपको प्लांट्स लगाने का शौक़ है, मगर आपको ये डर रहता है कि आप जब ट्रिप पर रहेंगी तो पानी ना देने की वजह से आपके प्लांट्स जो हैं डेथ हो जाएंगे तो उनकी, तो फिर आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्लांट आप ही के लिए बना हुआ है। आप इसे एक बार पानी दे दीजिए और ये हफ्ते भर पानी की ज़रूरत नहीं होती है। जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनको आप रोज़ पानी दीजिए, और जो बड़े प्लांट होते हैं उनको एक दिन छोड़ के भी पानी दे सकते हैं। अगर आपको ट्रिप पर जाना है तो इसे अच्छी तरह से पानी दे दीजिए और इसको इंडोर यानी कि किचन में या फिर लिविंग रूम में रख दीजिए, और जब आप वापस आएंगे तब भी आपको ये पेड़ वैसे का वैसा ही मिलेगा। देख सकते हैं छोटे छोटे प्लांट्स इसमें अपने से नीचे से ग्रो होते रहते हैं। और आप इसके सीज़न आने से पहले स्प्रिंग में इसको इस तरह से जैसे मैंने कट किया है पूरा कट कर दीजिए, ये नीचे से इसकी न्यू ग्रोथ होगी और आपको नया प्लांट भी मिल जाएगा। हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन प्लांट है और ये लो मेंटेनेंस का प्लांट होता है। इसे फर्टिलाइज़र की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है, मगर आप इसे स्प्रिंग सीज़न में फर्टिलाइज़र दे सकती हैं। साल में 2 बार भी अगर आप इसे फर्टिलाइज़र दे दें तो इसके लिए बहुत होता है। बस आप इसकी मिट्टी अच्छी बनाइए। इसको अगर आप सिर्फ गार्डन सॉइल में भी लगा देंगे रिवर सैंड मिलाकर, तब भी ये अच्छी तरह से ग्रो करेगा, मगर ये बेहतर होगा इसके लिए क्योंकि इसको फर्टिलाइज़र की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो इसके जो सॉइल होती है उसमें आप जो है नीम की खली और काउ डंक भी मिला दीजिए। नीम की खली इसलिए मिला दीजिए ताकि इनकी रूट्स को कोई इन्फेक्शन ना होने पाए और किसी तरह का कोई डिसीज़ इसके रूट्स को ना हो। तो ये देखिए, ये मैंने फर्टिलाइज़र की बात की तो मैं होममेड फर्टिलाइज़र इसमें दे रही हूँ, ज़्यादा नहीं दूँगी, थोड़ा सा देखिए बस इतना इसके लिए काफ़ी है। आप जब इस प्लांट को लगाएं तो आप एक ही साथ कई प्लांट को लगा सकते हैं, मगर आप जब छोटे छोटे प्लांट लगाइए तो 4 इंच के पॉट में आप एक सिंगल प्लांट लगा दीजिए। और जब अगर आप बड़ा प्लांट पॉट लें तो आपका पॉट साइज बड़ा हो तो आप कई प्लांट एक साथ लगा सकते हैं। ये देखिए, इसकी सूखी पत्तियों को मैं हटा रही हूँ, जितनी भी पत्तियाँ सूख गई हैं उनको मैं हटा दूँगी और जो स्टेम्स हैं उनको मैं मिट्टी में सॉयल में ग्रो करूँगी। मैं वाटर में जल्दी प्लांट ग्रो नहीं करती हूँ और मुझे सॉयल में ही ग्रो करना पसंद है। तो इसकी सूखी हुई पत्तियों को आसानी से हटा दीजिए।
इसको सूखे हुए पत्ते हटाने के बाद इसकी खासियत ये होती है कि ये कोलियस की तरह छोटे से छोटे इसकी कटिंग लग जाती है। आप इसे 2 इंच की कटिंग भी लगा सकते हैं, आप इसकी 6 इंच की कटिंग भी लगा सकते हैं। और अगर आप इसको प्रून करते रहेंगे तो सबसे अच्छा है इसके लिए, ये बहुत ही बुशी होता जाएगा। आप देख सकते हैं मेरा इतने छोटे से पॉट में मैंने प्लांट लगाया था अपना, और उसमें कितनी ढेर सारी स्टेम्स थी। देखिए सूखी पत्तियाँ हटा ली जा रही हैं, अब सूखी पत्तियाँ जो उसमें निकल रही है इतनी, तो इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, इसको वहीं फेंकना है। इसको किसी भी पॉट के नीचे में प्लांट लगाने से पहले डाल दीजिएगा, आपका लीफ कंपोस्ट तैयार होता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि जब आप अपने प्लांट नेक्स्ट टाइम रिपोर्ट करेंगे तो आपको नीचे जो मिट्टी मिलेगी ब्लैक कलर की होगी वो, और वो काफ़ी अच्छी मिट्टी होती है। आप चाहें तो उसे एक एक मुट्ठी मिट्टी जो है अपने सारे पॉट में दे सकते हैं, चाहे तो उसी मिट्टी में नया प्लांट लगा सकते हैं। वो जो कंपोस्ट होता है अगर आप उसमें प्लांट लगाएंगे तो उस प्लांट को फर्टिलाइज़र की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कंपोस्ट खुद में ही एक फर्टिलाइज़र होता है। इस प्लांट को जो पर्पल हार्ट प्लांट है आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। DAP वगैरह की इसको कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए ये पत्तियाँ इतनी ज़्यादा सूखी निकली हैं इसमें से, ये प्लांट देखिए पत्तियाँ हटने के बाद कितना खूबसूरत लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये कटिंग लगा सॉइल में। तो फ्रेंड्स गुड बाय।